हाय, लेट्स मेक मोमोज। हाँ जी, आज हम बनाएंगे मोमोज बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल टेस्टी, बहुत ही कम सामान में और कम इंग्रेडिएंट्स में। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर डाला था मोमोज की चटनी, जो कि चटनी तो बना ली थी लेकिन मोमोज नहीं डाला था, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करा था कि मोमोज भी बनाने चाहिए। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ सोयाबीन की मोमोज से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप सोयाबीन। सोयाबीन को मैंने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के सोख करने रख दिया था, और अब निकाल लेंगे 10 मिनट बाद पूरी तरीके से इसे निचोड़ के, और इसे ब्लेंडर में पूरी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, डाल देंगे इसमें हम लहसुन छोटे छोटे चॉप करके। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े लहसुन लिए हैं। यहाँ पे मेरे थोड़े से साइज बड़े रह गए थे चॉप करने में, थोड़ी सी कमी रह जाती है कभी कभी खाना बनाते हैं, तो इस कमी को आप पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि लहसुन को हमें छोटे छोटे चॉप करके ले लेना है। लहसुन हल्का जैसे ही फ्राई हो जाए, डाल देंगे यहाँ पे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्च ली, और बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे चॉप करें, क्योंकि मोमोज में पूरी तरीके से फिलिंग आनी चाहिए, सब जगह आना चाहिए। हरे मिर्च और लहसुन को फ्राई कर लेने के बाद डालेंगे इसमें हम प्याज। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे डाइस में एकदम शेप में कट कर लिया है, और प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉटे होने के लिए करेंगे, बस हल्का सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे हम। तो कुछ इस तरीके से हमें प्याज को फ्राई कर लेना है 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करा था, और देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे बाकी मसालों के साथ, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए जब इसका पानी पूरी तरीके से सोख ख़त्म हो जाए सोयाबीन का, तब हम इसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और ऊपर से डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम बंद हम कर ही चुके हैं आपको जैसे हमने बताया था, और इसे रख देंगे हम साइड में। गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जैसे कि आपने मुझे डिमांड में बताया, मतलब कमेंट सेक्शन में बताया कि आप लोगों को मोमोज़ खाना पसंद है, आप मोमोज़ की भी रेसिपी देखना चाहते हो, तो इसी तरीके से आप बाकी रेसिपीज़ भी बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या देखना चाहते हैं कि मैं बनाऊँ नेक्स्ट टाइम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम ले लेंगे आटे का छोटा सा एकदम राउंड बना के, और इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, हमें छोटे छोटे मोमोज के साइज बनाने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेलते जाएंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला था जिससे कि चिपके ना बेलते समय, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पतला सा, हमारा छोटा सा पूरी का शेप ही मान लीजिए वैसे ही बनाना है हमें, कोई परफेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप पहली बार बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट बना के तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप मेरा देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, और इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन की फिलिंग। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि आपको लगे कि स्टफिंग ज़्यादा हो तो आप निकाल दीजिएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से हम टाइट हाथों से दबाते जाएंगे। शेप देना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो वो दे सकते हैं, आप नॉर्मल मोमोज के शेप में भी दे सकते हैं। और मैंने जिस तरीके से यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया है चिपका लेने के बाद, और इस तरीके से रख देंगे। मैं एक और आगो बना के दिखाती हूँ, मुझे शायद वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से गोल गोल करते हुए फ्लावर के शेप में दे दिया था। जैसे कि आपको मैंने कहा, शेप देना बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि हमारी जो स्टफिंग है, हमारा जो मोमोज है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि शेप ही कुछ है। हाँ जी, तो इस तरीके से हम बाकी सभी बना के तैयार कर लेंगे। गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं बाकी सब की भी स्टफिंग डाल दूंगी। हमें छोटे छोटे पूरी के शेप में पहले बेल लेना है, और उसके बाद उसमें स्टफिंग डाल के हम अच्छे से टाइट हाथों से दबाते जाएंगे। और बाय द वे, शायद मैं बताना भूल गई वीडियो की स्टार्टिंग में, आज हम बनाने वाले पैन फ्राइड मोमोज।
हाँ जी, आज हम बनाएंगे पैन फ्राइड मोमोज। स्टीम मोमोज की भी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और देखिए ये वाली रेसिपी, ये वाला जो मोमोज है ये मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया। सारे मोमोज बिल्कुल देखने में सुंदर और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और जितना मुझे चाहिए था बनाने के लिए मैंने बना लिया था। अब हम ले लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे बटर और बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और रख देंगे हम यहाँ पे मोमोज। मोमोज अच्छे से डाल लेने के बाद, प्लेसिंग कर लेने के बाद, ऊपर हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, आधा पानी डालेंगे जिससे कि हमारा स्टीम और नीचे से फ्राई दोनों हो जाए। और 5 से 7 मिनट के लिए कुक करते रहेंगे और बीच बीच में आप चेक भी करते जाइएगा कि नीचे से जल ना जाए। पानी पूरी तरीके से हमारा इवेपोरेट हो चुका है, स्टीम कर चुका है मोमोज़ को, और नीचे से हमारा बटर ने भी फ्राई कर दिया है। तो हमारा ऐसे ही बनके तैयार हो गया पैन फ्राइड मोमोज़, आप देख ही सकते हैं। और हमारा बनके तैयार हो गया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आटे का पैन फ्राइड मोमोज़। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ।